फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और आज आपका गोभी किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ मोमो चटनी जो बनेगी बिल्कुल मार्केट जैसी गाढ़ी और टेस्टी और आसानी से बन जाती है, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, इतनी लाजवाब बनती है। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल हैं, मुश्किल से 3 से 4 सामान लगेंगे और इतनी टेस्टी अमेजिंग चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अगली बार आप जब भी मोमोज बनाइए तो इस तरीके से चटनी बनाकर ज़रूर तैयार कीजिए, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हम 1 गिलास पानी और उसमें डाल देंगे बढ़िया सी लाल मिर्च और लाल मिर्च को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और उसमें डाल देंगे हम 4 से 5 टमाटर। ये हमने मीडियम साइज़ के 5 टमाटर लिए हैं और इसे अच्छे से कर लेंगे बॉयल जब तक कि टमाटर और लाल मिर्च दोनों सॉफ्ट ना हो जाए। और ये देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी स्किन आसानी से निकल जाएगी। गैस को बंद कर लिया हमने, थोड़ा सा ठंडा कर लिया हमने टमाटर और मिर्च को और इसका स्किन देखिए बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ये देखिए। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। और इसमें हमने अलग से कुछ अभी ऐड नहीं किया है, सिर्फ मिर्ची और टमाटर को बॉईल किया है और ये हम डाल देंगे मिक्सर जार में। इसे हम पीसना है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हमें दरदरा इसे पीसना है। हमने लिया है एक कढ़ाई, गैस ऑन कर दिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और उसमें डाल देंगे हम ग्रेट किया हुआ लहसुन और 1 चम्मच डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। और आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके एक साथ मिक्सर में बारीक कर सकते हैं, मैंने इसे ग्रेटर से ग्रेट किया है और ये बहुत उसमें दरदरा सा जो आता है ना बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए आप जब भी मोमो चटनी बनाइए तो आप लहसुन और अदरक को ग्रेट करके ही डालिए। और हमने थोड़ा सा हल्का कलर चेंज होने तक पका लिया है और इसमें डाल देंगे सोया सॉस, ये हमने 1 चम्मच लिया है सोया सॉस और इसे हम अच्छे से भूनेंगे लहसुन और अदरक के साथ। और उसके बाद हम डाल देंगे जो टमाटर और मिर्च का जो हमने पेस्ट बना कर रखा है वो पेस्ट डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। और बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं ये पूरी चटनी को बनने में। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, आप नमक ज़रूर एक बार टेस्ट कीजिए क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है तो आप इसे ज़रूर चेक कीजिए। सोया सॉस डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और चाइनीज़ खाने में तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, ये बिना इन सब के चाइनीज़ डिश अधूरी है, तो आप ये ज़रूर डालिए। और ये देखिए बनकर तैयार हो गई है आपकी गाढ़ी सी अमेजिंग मोमो चटनी। अब हम इसे गैस बंद कर लेते हैं और होने देते हैं थोड़ी देर ठंडा। देखिए गैस को हमने बंद कर दिया और ये ठंडा हो गया है और ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और बहुत ही गाढ़ी और अमेजिंग मोमो चटनी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इजी, यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए गोकुल किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और हाँ ऑल पे करके ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और ये देखिए बनकर तैयार होगी आपकी अमेजिंग लाजवाब मोमो चटनी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और ये देखिए जब भी आप मोमोज बनाइए तो ये चटनी ज़रूर बना के तैयार कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी चटनी की कैसी लगी। और ये मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ कि आपको मोमोज बनाने के अलग अलग तरीके मैं बताने वाली हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसी इजी, यूनिक और हेल्दी कुकिंग देखने के लिए देखते रहिए गोकुल किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।